वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, किस्मत बदलती है। ऐसा ही कुछ आज हो रहा है। आज से एक साल पहले हांगकांग ब्रिटिश हुकूमत से निकलकर चीनी हुकूमत को वापस किया गया। इस शुभ अवसर पर हांगकांग शासन ने दूसरी तब्दीलियों के साथ ये भी फैसला किया कि जो भयानक मुजरिम पिछले 12 सालों से इस जेल में सजा काट रहे हैं, मगर जिनका आचरण और चाल चलन अच्छा रहा, उनकी सजा कम करके उन्हें रिहा किया जाए। कैदियों की इसी फहरिस्त में एक ऐसा भारतीय नौजवान भी है जो बिना किसी गुनाह के सजा भुगत रहा है। आज वो भी मुक्त किया जा रहा है। दुनिया के हर कानून और हर अदालत से बड़ी है ऊपर वाले की अदालत, जहां हर किसी को इंसाफ मिलता है। आज एक हिंदुस्तानी रिहा किया जा रहा है जिसे अपनी मातृवतन से बेपनाह मोहब्बत है, जो अपनी सरजमीन पर लौटकर अपने दुश्मनों और देश से गद्दारी करने वालों को सजाए मौत दिलाना चाहता है। उसके लिए उसकी जिंदगी से भी बड़ा है उसका वतन हिंदुस्तान। हेलो सर्जन ली क्वांग, मैं भारत से एक एसी साहब की तरफ से जीवन बोल रहा हूँ। बोलो मिस्टर जीवन। आज रात काम हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, आज रात तुम्हारा काम हो जाएगा। यस। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? सिफू, सिफू, ऑफिसर, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? कहां लेके जा रहे हैं आप सब? ऑफिसर, सिफू, ये क्या हो रहा है? देखिए ये टेबल और कुर्सियां कहां जा रही हैं?